उतर उतर उतर। ये इतना बड़ा है? मैडम आपने कसम खाई थी ना कि आप हाथ नहीं उठाएंगे, आपका व्रत है ये। कुछ भी हो जाए हम अपना कसम टूटने नहीं देंगे। व्रत आप नहीं तोड़ेंगे लेकिन ये सांड जैसा आदमी हमें तोड़ देगा। अच्छा देखो आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है और मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहो। अमा तुम कटो। बिल्लू जी मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं करूंगी। वेट एंड वॉच। मैडम आपका व्रत लिया है हाथ ना उठाने का, लेकिन पैर तो उठा सकते हैं ना, और ऐसे जमीन के कीड़ों को पैर से ही कुचला जाता है। वाह करिश्मा मैडम वाह। संतु तुम थोड़ा साइड में जाओ। उठो। मैडम बाहर चलिए चलिए। गौरी का ये सब? वैसे तो मरे हुए लोग कंप्लेन नहीं किया करते, पर गौरी का इंटरव्यू देखने के बाद हम मरे हुए लोगों में एक जिंदगी जीने की आस जगी है। एक उम्मीद है कि शायद हमें भी जिंदा मान लिया जाए। मैडम हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए मैडम। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, हमको गौरी ने इन सब के बारे में बताया। ये मृतक महिला संघ की महिलाएं हैं। अस्थाना ने इन सभी को कागज पर मृत घोषित कर दिया है और इन सब की प्रॉपर्टीज हड़प ली है। का? आज की डेट में गौरी की तरह ये सब मर चुकी हैं। और इनकी सारी संपत्ति का मालिक अब अस्थाना है। पर यही सब क्यों? औरतें ही क्यों? वो अस्थाना औरतों के साथ ही क्यों ऐसा करता है? नए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के बारे में तो आप जानती ही हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है। अब बेटी भी अपने पिता की चल अचल संपत्ति की उतनी ही अधिकारी है जितना कि बेटे। उसका भी अपने पिता के जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। तो अब हो ये रहा है मैडम कि जो भी हमारे भाई कजिन दूर के रिश्तेदार हैं, वो अपने ही घर की महिलाओं को एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको जो मिलने वाला है उनमें उनकी बहनें भी बराबर की हिस्सेदार हैं। और यहाँ से शुरू होती है अस्थाना की असली भूमिका। अस्थाना जो है वो ऐसे ही परिवार को टारगेट करता है और उनसे डील करता है, और डील के तहत उन परिवार की महिलाओं को कागज पर मृत घोषित कर देता है और उनकी सारी संपत्ति उनके परिवार वालों से आधे दामों में खरीद लेता है। अब फायदा दोनों का है। परिवार वालों के लिए एक वारिस कम हो जाता है और अस्थाना करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम खरीद लेता है। और ये बेचारी औरतें अपना हक भी नहीं मांग सकती, ये लड़ भी नहीं सकती क्योंकि सरकारी कागज पर ये पहले से ही मृत घोषित कर दी गई है। सब दोगला चरित्र है। एक तरफ औरत को माँ का स्वरूप कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ एक औरत के साथ उसी का ही परिवार वाला ऐसा घटिया छल करता है, उससे उसका पूरा जिंदगी छीन लेता है, उससे उसका वजूद छीन लेता है, कोई कहने सुनने वाला भी नहीं होता है। नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आप सब लोग इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम एसएचओ करिश्मा सिंह आप सबके साथ हैं और हम आपको वादा करते हैं कि दशहरा से पहले हम आप सबको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप सबको आपकी पहचान वापस दिलाकर रहेंगे, वो भी पूरे अधिकार और पूरे सम्मान के साथ। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। फिर क्या हुआ बिल्ले? फिर क्या, करिश्मा मैडम बोली, बिल्लू मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं और मैंने भी व्रत ले लिया है हाथ ना उठाने का, तो मैं हाथ नहीं उठा सकती, तो इन गुंडों से तुम्हें ही निपटना है। बिल्लू तुम ही बचाओगे हमें। बिल्लू एक मिनट, करिश्मा मैडम ऐसा बोली? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्या है ना कि कैरेक्टर और डायलॉग ना बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। खैर तुम सुनाओ यार, जब तक झेल पाएंगे तब तक सुनेंगे। सुनाओ आगे क्या हुआ। हाँ तो मैंने रजनी सर को याद किया। रजनी सर गिव मी द पावर, बिल्लू द स्पाइस। उस सामने वाला गुंडा मेरे तरफ आया, वैसे ही मैंने पैर उठाया, ये और यो। ये का है? पत्तों को इकट्ठा किया और इन्हीं पत्तों के साथ उनका पत्ता काट दिया। उस सामने वाली दुकान में ढेर। दुकान सब जानते हैं हम, जहाँ पर लड़ने गए थे ना वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। अरे दुकान है ना, आज ही नहीं खुली थी और आज ही टूट गई। एक और शब्द अपने मुंह से निकाला है ना तो यहीं पर खत्म करके रख देंगे तुमको, समझे? बिल्कुल टोपा समझ के रखे हो क्या? चूरन समझा है? बकवास करते रहोगे, हम सुनते रहेंगे। बहुत सही मैडम, बहुत सही बोली, एकदम सही बोली है इसको। बिल्लू पता है तुमको, बिल्ले अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता ना तो 3-4 बाल जो बच्चा ना ये भी नोच देते आज हम। उससे करके लात से घुमा दिए। पुष्पा जी, आप इधर आइए, पुष्पा जी। ये झूठी कहानी गढ़ने के लिए करिश्मा मैडम ने कहा था ना तुमको, हाँ? उस पहलवान को भी करिश्मा मैडम ने मारा था ना? नहीं 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 नहीं, करिश्मा मैडम ने नहीं मारा था। उनका तो व्रत है ना, उन्होंने हाथ उठाया नहीं। नहीं सच कहो। अरे झूठ बोल रहा है ये, हाथों से नहीं पैरों से मारा था, पैरों से। चुप ना, क्या बात कर रहे हो? मैडम एकदम पैर से कूद डाली हो। मालूम था हमको। ये लड़की नहीं सुधरेगी। मैडम मैडम आप काहे इतना अपसेट हो रही हैं? नहीं, हमको तो लगता है करिश्मा मैडम बहुत सही की। कहा कि अगर मैडम ऐसा नहीं करती तो ये दुष्ट पापी कैसे हम लोग के हाथ में आता है। मैडम समझ गए, मैडम सवाल नहीं पसंद है आपको। मैडम किसी तरीके का कोई भी सवाल आपको पसंद नहीं, हमसे गलती से मुंह से सवाल निकल गया, सॉरी। हम अपसेट नहीं हैं, खुद से नाराज हैं। हमने उनको हाथ में उठाने का व्रत लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। हम जानते हैं उनको, अब व्रत ले लिया है तो व्रत तो वो पूरा करेंगी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला अस्थाना जैसे शैतान के साथ है। इस कसम के साथ कैसे लड़ेंगी वो लड़ाई। खैर, उस अस्थाना ने करिश्मा मैडम को बुलाया अपनी ऑफिस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और लड़ाई की नौबत ही ना आए। क्या हाल, सब ठीक? ठीक है मैडम। अरे आप आइए 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 आइए, बैठिए। बैठने नहीं आए हैं। बड़ी मजाकिया है यार। चलिए, आप अगर नहीं बैठ रही हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। जय माता दी। जय माता दी बोलने से माता खुश नहीं हो जाती है। उसके लिए औरतों का आदर और उनका सम्मान करना पड़ता है, जो शायद इन जैसे लोगों को ना समझ में कम आता। संतु, गलत फहमी है आपको। महिलाओं के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, इसीलिए हमने तय किया है कि हमारी बहन गौरी को उसका हक दिला के रहेंगे। गोल्डन टावर की जितनी जमीन है, जितना उसका शेयर है, वो उसको मिल के रहेगा प्रॉफिट के साथ। अरे भाई देख क्या रहे, लाओ पेपर दिखाओ। जी सरकार, ये लीजिए। ये देखिए, ये सारे पेपर्स रेडी हैं। गौरी की जमीन का एक एक पैसा मैं लौटा रहा हूँ। क्या बात है, एफआईआर फाइल होते ही आपको ये सब याद आ गया नहीं मैडम? हाँ संतु, देख रहे हैं। अब देखिए, परिवार है, परिवार में कैसा तेरा मेरा है ना। ये देखिए, तस्वीर से हार भी हटा लिया। आप क्यों परेशान होती है भाई, आपस का मामला है, बहन भाई का। कमाल का बात है, हम हैरान होते हैं कभी कभी भगवान पर कि जब तुम्हारे जैसे लोग वो बना ही रहे थे तो गिरगिट का प्रजाति बनाने का क्या जरूरत था, क्योंकि रंग बदलने के लिए तुम्हारा योगदान काफी है दुनिया में। अब बात सिर्फ तुम्हारा बहन गौरी का नहीं है, अब बात उन सभी महिलाओं का है जिनके साथ तुमने ये गंदा छल किया है। अब मिलेगा, अब सबको अधिकार और उनका इंसाफ साथ मिलेगा। क्या? मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रही हैं? अच्छे से पता है तुमको कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन मृतक महिला संघ की, जिन्हें तुमने जीते जी मारकर उनसे जीने का अधिकार छीन लिया और साथ ही साथ उनका जमीन छीनकर उनसे जीने का उनका सहारा भी छीन लिया। उन औरतों की बात कर रहे हैं हम। अभी याद आया या और कुछ याद दिलाएं तुमको? जी, आपके वो जमूरे को सब याद है, आपका पार्टनर है ना वो। फिलहाल पुलिस के हिरासत में वो, और कल कोर्ट में आपके खिलाफ वही गवाही देगा। हम भी देखेंगे कि कोर्ट में तुम्हारा जो ये याददाश्त है ना, ये तुम्हारा कितना साथ देता है। फिर भी चलो, दिया एक और मौका। एक और मौका देते हैं तुम्हें कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का। अगर तुम कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहते हो तो अभी के अभी गौरी और उन सभी औरतों का पहचान और उनका जमीन वापस करो। मैडम, उंगली दिया तो आप तो गर्दन तक पहुंच गई। क्या है मैडम, बिजनेसमैन हो, फायदा छूटता नहीं और नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। शराफत से आपको ऑफर दिया था, आपको रास नहीं आया, तो अब आपको जो कुछ लेना है वो कोर्ट से लीजिए। यहां से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कागज की असली पावर। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ये कागज की असली पावर पर। तो हम भी तुमको वादा करते हैं कि तुम्हारा यही कागज है ना कि तुम्हारा ये सोने का लंका जलाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल कोर्ट में मिलते हैं। चलो संतू। चरकार हार वापस चरा दूं तस्वीर पे? नहीं, हार तो अब करिश्मा की तस्वीर पे चढ़ेगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद बबीता जी। इतना सोच रही हैं, मतलब उलझन में हैं? आपसे कुछ बात करना है हमको। अरे कोर्ट नहीं जाना क्या? टाइम हो रहा है। जाना है पर अब बैठिए ना, बस थोड़ी देर का ही बात है। क्या हुआ? हमें आपका राय चाहिए इस केस में। अब हम आपको क्या राय देंगे? हम हेड कांस्टेबल है और आप SHO हो यहाँ की। आप हमारा सबसे सच्चा दोस्त और सबसे सुलझा हुआ सलाहकार है। आज तक हम किसी भी मुसीबत में फंसे हैं ना, तो हमेशा हमने ये सोचा है कि अगर बबीता जी इस मुसीबत में होती तो वो क्या करती। हमने भी वही किया और हमेशा उस मुसीबत से हम निकल कर बाहर आए हैं। हीरो हैं आप, हमारा हीरो। बस बस, बहुत हो गई मक्खनबाजी, अब बोलो क्या बात है। हमने अस्ताना का स्टेटमेंट ठुकराकर सब गड़बड़ा दिया ना। हम मानते हैं हम गर्म दिमाग के हैं, कुछ करने से पहले सोचते नहीं है, लेकिन उस वक्त हमें जो ठीक लगा ना हमने वो कर दिया। अब हमें नहीं पता कि हमने सही किया या गलत किया। आप बताइए हमें कि अगर मैडम सर हमारी जगह होती तो क्या हमसे बेहतर डिसीजन लेती? नहीं, आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हसीना मैडम होती तो वो भी यही करती। हम जानते हैं तुम दोनों बहुत अलग हो, कोई समानता नहीं है तुम दोनों में। एक उत्तर है तो दूसरी दक्षिण है, लेकिन एक बात है तुम दोनों में जो एक जैसा है, वो है तुम्हारा फर्ज, तुम्हारी ड्यूटी, जो तुम्हारी वर्दी में नहीं तुम्हारे खून में दौड़ती है। तुम दोनों न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, और बस यही बात है कि तुम दोनों हमारी इतने दिल के करीब हो, हमारी इतनी फेवरेट हो। एक मिनट, हम भी आपके फेवरेट हैं। नहीं, शुक्रिया इस बात के लिए, पर अभी चीते के सामने आप ही कह रही थी कि मैडम सर ही सिर्फ आपका फेवरेट है, तो हमको लगा कि वही आपकी फेवरेट होंगी। जलने की बू आ रही है हमें। टाइम हो गया, आप चलिए कोर्ट के लिए निकलना, हम आते हैं। हेलो संतु जी, बैठो जल्दी बैठो। बैठिए संतु जी। चलिए आइए मैडम, बैठिए आइए। कहाँ, किधर है? जाना है ना, तो मतलब जगह खाली था तो हम बैठ गए। खाली चिता देखोगे लेट जाओगे। उतरो प्लीज। मत प्लीज, अरे कचहरी जाना है, पिकनिक पे नहीं जा रहे हम। क्या कर रहे हैं बकैती? पीछे जाकर करिश्मा मैडम की गाड़ी में बैठो, वो इम्पोर्टेंट गवाह लेकर जा रही है, वहाँ तुम्हारा ज्यादा जरूरत है। निकलो। डांट क्यों रही है मैडम, जा रहे हैं। उतरो। संतु जी आप ख्याल रखिएगा, अपना पानी उन्हें पीते जाइएगा। जा रहे हैं मैडम, जा रहे हैं। हम हैं संतु जी, हम पीछे ही हैं। मुंह का ताकत, अंदर चलो। अरे एक एक मिनट अरे एक मिनट रोको, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या हुआ बिल्लू जी? नारियल फोड़ना है, शुभ शकुन होता है, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। रुको, फोड़ो फोड़ो फोड़ो। हाँ, अबे छापड़ी के जल्दी फोड़ना वरना तेरा नारियल फूट जाएगा, समझा क्या? एक मिनट रुको रुको रुको, ये लो बिल्लू भाई अपने सर पे पड़ो, इधर 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 इधर, एकदम सही जगह है। हो गया? हाँ, देखो जीत हमारी होगी और उस अस्ताना की हार होगी। जय माता दी, जय माता दी। चलिए चलिए चलिए, जाओ जाओ जाओ, विजयी भव। अरे एक मिनट रुको ना, उड़ा दीजिए मैडम, वैसे बहुत फालतू है। बिल्ला का बकैती है, नारियल नारियल फोड़ना है, सुबह शकुन। तो अभी क्या तोड़ रहे थे तुम? नारियल ही तोड़े हो ना उस गाड़ी में, तो काफी है, कटो अभी कटो, महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे। तू रुको रुको, सुबह शकुन। माता रानी रक्षा करना, माता रानी। इसको कहाँ लेके? ए बिरयानी में यूज मत कर, पूजा का नारियल है, पता है मुझे। अच्छा पन्निका ये लो, मैं आता हूँ ठीक है, प्रसाद रखना, फोन करना। हाँ पुलिस बंसल को लेकर निकल चुकी है। करिश्मा सिंह, तुम्हारी फोटो पर हार चढ़ाने का टाइम अब आ गया है।